हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो कि यहाँ के दुकानदार हैं, शूज की ये शॉप है और हम बातचीत करने वाले हैं सर से, जानने वाले हैं उनके विचार आज के सफाई महाभियान पे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और आपकी ये शॉप है? नहीं, मैं जॉब करता हूँ जी। सर ये बताइए, आज जो डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं के द्वारा जो उनके गुरु हैं बाबा राम रहीम जी आए हैं, उनकी खुशी में तोहफा देने जा रहे हैं सफाई अभियान, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है, वैसे तो अच्छी बात है ये बात साहब, मैं पहली बात तो मैं इससे भी प्रेमी है डेरे, बहुत अच्छी बात है, तो सफाई अभियान तो होना चाहिए जी। सर क्या लगता है आपको कि समाज के लिए डेरा सच्चा सौदा का कितना के योगदान है? बहुत ज़्यादा हो जाए, खासकर मैं कम से कम 90% योगदान, खासकर मैं अगर बात करूँ खुद बाबा जी की, उनका कितना योगदान है? बहुत ज़्यादा, मैं तो आपको 100 से 100% योगदान है मेरी तरफ से जी। सर आपको लगता है कि गुरु जी को परमानेंट आना चाहिए समाज में? हाँ जी आना चाहिए, मेरी पहली बात तो मेरी मिसेस प्रेमी है, उनकी यही सोच है बाबा जी बाहर ही आना चाहिए। वो तो चलो डेरा के श्रद्धालु हमने माना, डेरा श्रद्धालु ये चाहते हैं, लेकिन जो डेरा से लोग नहीं जुड़े हैं वो क्या मानते हैं? तो आप अपनी सोच रखते हैं, मेरी तरफ से यही सोच है बाबा जी को बाहर आना चाहिए। आपको लगता है कि अगर वो बाहर आते हैं परमानेंट आते हैं तो समाज को उसका फायदा होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या कुछ किया उन्होंने सिरसा के लिए स्पेशल में बात करूँ? तो यानी कि आप दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं अगर बाबा जी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भी थे सिरसा के निवासी और दिल खोल के स्वागत है सिरसा वासियों का, और यही उनकी मांग है कि अगर बाबा जी सिरसा में परमानेंट के लिए आ जाए या आ रहे हैं वो, तो वो बिल्कुल स्वागत करेंगे और सिरसा को, शहर को जरूरत है उनकी और भी लोगों से जुड़े।